हिंदू धर्म में हर तिथि हर त्यौहार का अलग महत्व बताया गया है। सितंबर माह में अंतिम प्रदोष व्रत कब आ रहा है, आइए पंडित जी से जानते हैं विस्तार से। हिंदू धर्म सनातन धर्म में अनेक प्रकार से व्रत कहे जाते हैं और अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। यहीं भारतवर्ष में अधिकतर लोग प्रदोष व्रत करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार वर्ष भर में 24 एकादशी आती है, उसी प्रकार 24 प्रदोष भी आते हैं। यहाँ पर प्रदोषों का अलग अलग महत्व कहा गया है। यह प्रत्येक वार से पढ़ते हैं कि कोई रवि प्रदोष मानता है, कोई सोम प्रदोष मानता है, कोई भौम प्रदोष। इस प्रकार अलग अलग प्रदोष आते हैं। और हम प्रदोष के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रदोष माह में दो प्रदोष आते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण पक्ष का आता है, शुक्ल पक्ष का होता है। इसी प्रकार अभी जो प्रदोष व्रत आने वाला है सितंबर माह में, जो कि 29 तारीख को आ रहा है, जो रवि प्रदोष है, रवि प्रदोष का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस प्रदोष का व्रत करने पर जो भी स्त्रियां तथा पुरुष इस व्रत को करती हैं, प्रदोष व्रत को करती हैं, उनको धन धान की वृद्धि होती है, मान सम्मान में उनकी वृद्धि होती है तथा पुत्र पोत्र संतति तथा संपत्ति दोनों में ही वृद्धि होती है और अनेक प्रकार से शुभ कहा गया है। यहाँ पर असमंजस ये हो रहा है व्यक्ति को कि प्रदोष काल प्रदोष 29 तारीख का माना जाए या 30 तारीख का माना जाए, तो यहाँ पर निर्विघ्न जो है निर्विरोध प्रदोष हम 29 तारीख का मनाया जा सकता है, क्योंकि प्रदोष काल में ही भगवान गौरी शंकर का पूजन किया जाता है। प्रदोष का मतलब अर्थ ही कहा गया है प्रदोष काल का, कि जब भी भगवान का पूजन हम प्रदोष के समय करते हैं तो प्रदोष काल में करते हैं, तो 29 तारीख का प्रदोष मान्य रहेगा और 29 तारीख को ही व्रत किया जाएगा तथा भगवान गौरी शंकर का पूजन होगा। उनका पूजन कर करके अपने प्रदोष व्रत को पूर्ण करें तथा भगवान गौरी शंकर से प्रार्थना करें कि आप हमारे घर में धन धान्य की तथा पारिवारिक सुख देवे तथा संतान सुख देवे तथा धन संपत्ति में वृद्धि करें। इस प्रकार अनेक प्रकार की मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत सारी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला भी कहा गया है और विशेषकर रवि प्रदोष का बड़ा महत्व कहा गया है।